है गाइस, वेलकम बैक टू वीआर चैनल। मेरा नाम है विकास और आप लोग देख रहे हो हाई आर टूम प्लस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं अपने बाइक में तो क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाने के लिए, तो कैसे क्रैश गार्ड लेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके तो आप लोगों को क्रैश गार्ड दिखाता हूँ मैं अभी। तो ऐसा सा कुछ क्रैश गार्ड है। ये एक ही साइड का था गाइस, मेरा एक साइड का था, और जब मेरी बाइक गिरी थी ना तो वो टेढ़ा हो गया था, तो दूसरे साइड का मैंने निकाल दिया था, तो एक ही साइड का बचा था। तो अभी न्यू परचेस किए हैं, वो इंस्टॉल करवाते हैं, फिर जो आखिरी है वो भी निकल रहा है अब यहाँ से। दिखाना भाई, ये देख रहे हो गाइस आप, ये काफी ज्यादा, ये भी टेढ़ा हो गया यहाँ से, बैंड हो गया यहाँ से, ये देखो ये भी बैंड हो गया यहाँ से, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, इंजन की तरफ, यहाँ अंदर घुस जाता था यहाँ पे, यहाँ पे भी बोल्ट नहीं है। तो ये वाला कुछ परचेस किया हमने। ये खुलेगा, उसके बाद ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे इसकी पत्ती लगेगी, फिर होगा ये। गाइस ऐसे ऐसे कुछ फिट होगा ये, और ये अपने जावेद भाई फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बोर्ड देख रहे हो ना आप, ये वेल्डिंग करवाया अभी, बस जो कंपनी की तरफ से आता है वो बहुत ज़्यादा हल्का बोल्ट होता है यार। तो अगर आप लोग भी टूट जाते हैं ना कभी, और आप लोग क्रैश गार्ड लगवाते हैं ऐसे वाला, तो आप लोग भी ऐसा बोल्ट जो है वो वेल्डिंग करवा लेना, ठीक है। तो इंस्टॉल करवाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये ले लिया हमने भाई फुट रेस्ट। जावेद भाई तो बिजी हो रखे हैं, और ये हम खुद ही लगा रहे हैं अभी, यहाँ फिट कर रहे हैं, पता नहीं फिट होगा कि नहीं। ऐसे ही होगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे नहीं है वैसे तो, नहीं 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 उल्टा ही था, उल्टा ही था, उल्टा ही। ऐसे ही जाएगा। तो दोस्तों, क्रैश गार्ड इंस्टॉल हो गया है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ इसके ये कैसे दिख रहे हैं।
सो गाइस ये क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाया मैंने, और इसको इंस्टॉल करवाने में यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली ये जो बोल्ट देख रहे हो ये वाला आप लोग, ये वाला बोल्ट, ये जो है यहाँ पहले जो कंपनी लेग गार्ड देती थी उसका बोल्ट जो अंदर था वो टूट गया था, तो मैंने यहाँ पे एक बोल्ट वेल्डिंग करवाया इसके लिए। और आप लोग देख रहे हो कि ये प्रॉपर फिट हुआ है यहाँ से और यहाँ तक। इसमें अगर ये बोल्ट ना होता, अगर वेल्डिंग ना बोल्ट अगर पहले से होता है हमें वेल्डिंग नहीं करवानी पड़ती। और दूसरी साइड का दिखा देता हूँ आपको, एंड दूसरी साइड का गाइस आप लोग देख सकते हो प्रॉपर फिट हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ट था हमारा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रॉपर फिट हो गया है। ये इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। उस साइड वाले में हालांकि हमने वेल्डिंग करवाई थी, ओवरऑल कुछ ऐसे लुक आ रही है बाइक की। ओवरऑल आप लोग देख सकते हो बाइक की, और कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताना मुझे। बाकी आप लोग सिनेमैटिक शॉट इसके एंजॉय करो। हमारे क्रैश गार्ड लगे हैं, ये टोटली मिला के इसका पूरा खर्चा लगवा के इंस्टॉल करवा के हमारा टोटली 2400 का पड़ा है हमें। और ऊपर से हमने एक ये जो हमारा फुट रेस्ट था ये भी टूट गया था, ये भी हमने 600 का परचेस किया था। जेनवन पार्ट था बजाज कंपनी का, जो कि हमने जावेद भाई की शॉप पे से परचेस किया था। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। गाइस अभी हमने इंस्टॉल करवाए थे अपने क्रैश गार्ड, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं ये, अगर मतलब हमारी बाइक गिरते तो कितना परसेंट हमें चांस है कि हमारी बाइक बच जाती है और कितना होता है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है। जैसे ये अपनी बाइक है, वैसे बहुत भारी है यार, बहुत भारी है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये इतना देख ले गाइस, आप लोगों ने देखा कि अभी हमने अपनी बाइक नीचे लटा के देखी, और इसमें 75% चांस है कि हमारे जो पैर हैं लेग गार्ड वगैरह हैं और पूरी बाइक जो है वो 100% बाइक है कि बाइक पूरी हमारी सेफ रहेगी, और हम भी सेफ रह सकते हैं कि हमारे जो पैर वगैरह हैं वो सेफ रहेंगे पूरे। आप लोग देख सकते हैं इतना गैप आता है इतना, अगर हम लोग यहाँ पे पैर रखते हैं और बाइक से देखो यार कितना ज़्यादा गैप है, तो टोटली मिला के ना यार हमारी बाइक ना पूरी सेफ रहेगी, और गलत चीज़ है गल। और आप लोग बाइक की लुक देखो यार, क्या सेक्सी लग रही है भाई, मैं दिल खुश हो गया जी पैसे लगा के इसके ऊपर। चलो फिर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।